हेलो एवरीवन, बात करेंगे आज हम यहाँ पर फील्ड मेथड्स टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी का। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक एनालिटिकल अप्रोच देख रखा है ना। मैंने आप लोगों को बताया था टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल में नंबर ऑफ मेथड्स यूज करने वाला हूँ। तो मैंने जब बात किया था आप लोगों के साथ स्टैटिक मेथड का, जिसको मैं कह सकता हूँ एनालिटिकल अप्रोच, तो वहाँ पर मैंने नंबर ऑफ थ्योरीज आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। फिर अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए भी मैंने डिस्कस करा है, चाहे फिर मैं बात करूँ आपके साथ रैंकाइन थ्योरी का, चाहे मैं बात करूँ तर्जागी एनालिसिस का, चाहे फिर मैं बात करूँ स्केम्प्टन एनालिसिस का, चाहे फिर मायरहॉफ हो या फिर बात करूँ हम आयरस्कॉट मेथड का। ये सभी मेथड्स हम लोगों ने अलग अलग कंडीशन में इन पर क्या इफेक्ट आते हैं वाटर टेबल के, ये सब कुछ हमने क्या करी है, बात करी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हम बात करने वाले हैं कोडल प्रोविजंस मेथड भी हमने एक जगह पे देखा था, तो वो कोडल प्रोविजंस मेथड हमारे पास हमारे यूज़ में नहीं है अभी फिलहाल में गेट एग्जाम में। वाई? बिकॉज हमें यहाँ पर क्या करना है कोडल प्रोविजन मेथड्स में, क्योंकि हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड है, CPWD है, उन लोगों ने अलग अलग जोन्स के हिसाब से वहाँ की जो सॉइल है उसमें क्या बियरिंग कैपेसिटी एक्सपेक्टेड या अप्रॉक्सीमेट ली जा सकती है वो वैल्यूज दे रखी है। तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मेनली हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर वो फील्ड मेथड के बारे में हम बात करने वाले हैं कि फील्ड मेथड में मेरे पास तीन बेसिक मेथड्स, तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स है, और वो है प्लेटलोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इन तीनों मेथड्स के बारे में वन बाय वन। अभी फिलहाल में इस लेक्चर के अंदर मैं बात करने वाला हूँ प्लेटलोड टेस्ट के बारे में। क्या होता है प्लेटलोड टेस्ट, कैसे परफॉर्म किया जाता है फील्ड पर, किस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसमें मैंने लिख रखा है यहाँ पर फील्ड मेथड्स टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी यूजिंग प्लेटलोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो अभी फिलहाल में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्लेटलोड टेस्ट के बारे में। तो आइए बात करते हैं प्लेटलोड टेस्ट के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है प्लेटलोड टेस्ट का। तो देखिए क्या करना है आपको प्लेटलोड टेस्ट यदि आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ग्राउंड सरफेस था जिसको एक्सकेवेट करके मैंने एक ट्रेंच बनाया है। मतलब जब भी आप जहाँ पर जिस सॉइल में आप बियरिंग कैपेसिटी निकालना चाहते हैं उस ग्राउंड में एक ट्रेंच बनाइए, गड्ढा खोदना है आपको। उस गड्ढा जो खोदते हैं हम, उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं, या फिर उसको पिट भी कहा जाता है। यू कैन कॉल ट्रेंच और यू कैन कॉल पिट। चलिए मैंने क्या किया, जिस भी सॉइल में मुझे बियरिंग कैपेसिटी निकालना था वहाँ पर मैंने एक ट्रेंच बना दिया या एक पिट बना दिया। अब इसका साइज क्या रखूँ मैं सर, तो ट्रेंच का जो साइज आपको रखना है, यहाँ पर प्लेटलोड टेस्ट में हम एक प्लेट यूज करने वाले हैं मेड ऑफ स्टील का, जिसका साइज 30 सेंटीमीटर हो सकता है या फिर 45 सेंटीमीटर हो सकता है, 60 सेंटीमीटर हो सकता है, 90 सेंटीमीटर हो सकता है। तो सपोज आई एम टेकिंग 45 सेंटीमीटर और सपोज आई एम टेकिंग 30 सेंटीमीटर साइज ऑफ माई बेस प्लेट। तो हमने क्या किया, एक स्टील का प्लेट लिया जो कि एज अ फुटिंग की तरह काम करने वाला है। व्हाट आई सजेस्ट कि यदि आप सर्कुलर फुटिंग डिजाइन करने वाले हैं अपनी सॉइल के अंदर, आई सजेस्ट टेक दी सर्कुलर बेस प्लेट। इफ़ यू आर टेकिंग रेक्टेंगुलर देन टेक द रेक्टेंगुलर, इफ़ यू आर टेकिंग स्क्वायर फुटिंग देन टेक द स्क्वायर साइज और स्क्वायर शेप ऑफ द बेस प्लेट। तो यदि मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का बेस प्लेट प्रोवाइड कर रखा है, तो आपको जो ट्रेंच बनाना है इसका जो साइज होना चाहिए वो कम से कम 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 5 टाइम्स होना चाहिए साइज ऑफ बेस प्लेट के। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये जो स्टील का प्लेट मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ ट्रेंच के एकदम सेंटर में, वो यदि उसका विड्थ BP है, बी मतलब प्लेट, बी मतलब विड्थ, विड्थ ऑफ द बेस प्लेट मैं कहूँगा BP, वो जो है आपका जो ट्रेंच का साइज है शुड नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ BP होना चाहिए। तो चलिए मैंने ट्रेंच का साइज पता कर लिया है कि इतने साइज का मुझे ट्रेंच बनाना है। इस ट्रेंच का डेप्थ कितना रखना है, तो जो एक्चुअली आप अपने फुटिंग में डेप्थ रखने वाले हैं, डेप्थ ऑफ फुटिंग, उतना ही आपको इस ट्रेंच का भी डेप्थ रखना होगा। क्योंकि देखो मैं इस टेस्ट में करने क्या वाला हूँ, मैं इस टेस्ट में बियरिंग कैपेसिटी निकालने वाला हूँ सॉइल का, तो मेरी जो फुटिंग है वो कहाँ पर जाके रेस्ट करने वाली है, डेप्थ ऑफ फुटिंग DF के बेस, वहाँ पर जाके रेस्ट करने वाली है मेरी फुटिंग। तो उस फुटिंग के बेस के नीचे जो सॉइल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए, उसकी बियरिंग कैपेसिटी में एक्चुअली इस टेस्ट में निकालना चाहता हूँ। तो मुझे बेस प्लेट भी उसी लेवल पर जाकर रखना होगा। यदि मैं कहूँ कि मेरी जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो तकरीबन 3 मीटर है, तो इस गड्ढे को भी आपको 3 मीटर तक एक्सकेवेट करना है और फिर वहां पर जाके आपको बेस प्लेट रखना है। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। हमने ट्रेंच प्रिपेयर किया, यहां पर बेस प्लेट रखी। अब 3 मीटर का गड्ढा होगा तो इसके ऊपर तो कूदेगा नहीं ना इंसान, ये ग्राउंड सर्फेस है आपका, इधर भी पूरा ग्राउंड चालू हो गया, उधर भी पूरा ग्राउंड चालू हो गया। तो यहां पर टेम्पररी स्टेयरकेस आप बना सकते हैं, है ना, टेम्पररी स्टेयरकेस।
आदमी नीचे आएगा, ये पूरा अरेंजमेंट करेगा, बेस प्लेट होगी यहाँ पर और उसके ऊपर लोडिंग जेक्स होगा, अरेंजमेंट होगा लोड्स लगाने का और यहाँ पर हम डायल गेज लगाने वाले हैं। हाँ, अब ये जो डायल गेज मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, क्यों लगाने वाला हूँ बात करेंगे उसके बारे में। तो अब आपको क्या करना है, इस प्लेट को एज अ फुटिंग की तरह ट्रीट करना है और उसके ऊपर लोड लगाना है। ठीक है, तो लोड में कैसे लगाऊं, या तो हाइड्रोलिक लोडिंग्स हो सकती है, मतलब आपके पास मशीन्स वगैरह रहेगी, लोड जेक लोड से आप लोडिंग लगा सकते हैं, या फिर साइट पर जनरली छोटा कंस्ट्रक्शन वर्क है तो मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूं कि हम वहां पर वो भी कर सकते हैं। जैसे साइट पर हमारे पास सीमेंट्स के बैग्स होते हैं, तो सीमेंट्स के बैग्स जो खाली हो जाते हैं उसके अंदर आप सैंड्स फिल कर दो, रेत फिल कर दो और वो रेत को आप बैग्स को यहाँ पर अरेंज करते जाइए। ये इस तरीके से कोई अरेंजमेंट होगा, ये गर्डर होगी, ये लोड्स लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, एक बैग यहाँ पर प्लेस्ड किया। ये मैं एक्चुअल फील्ड की मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, है ना। आप चाहे तो ये लोडिंग जेक यदि आपके पास अवेलेबल हो तो उसका मशीन से यूज़ करते हुए लोड लगाइए। एक बैग मैंने लगाया, उसके कारण कुछ वेट आया, यहाँ पर प्लेट क्या होगी, सेटल होना चालू होगी। फिर मैंने और क्या किया, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ बैग्स रखे। मैं नंबर ऑफ़ बैग्स यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बढ़ाते चला जा रहा हूँ, और जिसके कारण आपका प्लेट जो है लोड आने के कारण क्या होना चालू हो चुका है, सेटल होना चालू हो चुका है। अब जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाते जा रहा हूँ, नंबर ऑफ़ बैग्स क्या कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, यू पीपल शुड नोटिस, ऑफकोर्स आपका जो बैग है उसका वेट आपको पता होना चाहिए, आपने कितने नंबर ऑफ़ बैग्स अरेंज कर रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हर एक बैग का वेट, तो आपको टोटल वेट आपने कितना लगा रखा है वो आइडिया हो जाएगा। तो इस पैटर्न में मैंने क्या किया, नंबर ऑफ़ बैग्स जमाते चला गया। तो मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे मैं एक एक बैग रखता चला जा रहा हूँ, सेटलमेंट क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और ये सेटलमेंट मैं कहाँ मेज़र कर रहा हूँ, तो ये सेटलमेंट मेज़र करने के लिए ही मैंने यहाँ पर क्या लगाए हैं, डायल गेज लगाए हैं। तो क्या मैं दो डायल गेज लगाए, नहीं, मैंने तीन डायल गेज लगाए, एक पीछे की तरफ रखा हुआ है जो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, तीन डायल गेज लगाए हैं। अच्छा, किस पैटर्न में लगाना है ये तीन डायल गेज, 120 डिग्री के एंगल पर लगाना है। कहने का मतलब क्या है, एक सर्कल देखो, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 120 डिग्री पर एक रखा, दूसरा फिर 120 डिग्री पर, तीसरा फिर 120 डिग्री पर, तीनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए, रिलेटिव एंगल, वो 120 डिग्री होना चाहिए। 120 हो गए तीन, चलिए 360 बन गया। तो इस पैटर्न में आपको डायल गेज लगाना है। तो आप लोग सोचेंगे कि एक डायल गेज लगा के भी तो मैं निकाल सकता था सेटलमेंट ऑफ प्लेट, तो मैं नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि सॉइल इज़ नॉट अ होमोजीनियस मटेरियल, मतलब आपका बेस प्लेट इज़ अ होमोजीनियस मटेरियल, मैं आई कैन कंसिडर, बट सॉइल इज़ नॉट अ होमोजीनियस मटेरियल। तो यहाँ पर जो सेटलमेंट होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा। मतलब कोई इस एज पर हो सकता है ज़्यादा सेटलमेंट हो जाए, इस एज पर कम सेटलमेंट हो जाए। तो टू फाइंड द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन द फुटिंग और इन द बेस प्लेट, व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट द डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट। तो ये डायल गेज कुछ एक थोड़ी सी अलग रीडिंग देगा, ये डायल गेज कुछ अलग रीडिंग देगा, उसके पीछे जो एक और डायल गेज रखा है कुछ अलग रीडिंग देगा। तो आपको ऐसे रीडिंग्स मिलते चली जाएगी। अब आपको मतलब कितनी रीडिंग मिलती है, हर एक लोड को बढ़ाने पर आपको तीन रीडिंग्स मिलती है, उन तीनों का एवरेज वैल्यू एज अ सेटलमेंट आपको लेना है। तो एक लोड बढ़ाया, तीन वैल्यू ऑफ सेटलमेंट मिला, उन तीनों का एवरेज निकाला, एक वैल्यू ऑफ एवरेज सेटलमेंट मिल गया। मतलब एक लोड एक एवरेज सेटलमेंट, एक लोड एक एवरेज सेटलमेंट, एक लोड एक एवरेज सेटलमेंट। तो ऐसे नंबर ऑफ मेरे पास क्या आ चुके हैं, डेटा पॉइंट्स आ चुके हैं। मैं नंबर ऑफ लोड्स क्या कर रहा हूँ, बढ़ाते चला जा रहा हूँ, सेटलमेंट मुझे मिलता चला जा रहा है। तो इन दिस पैटर्न हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स अरेंज कर दिए थे, और बैग्स अरेंज करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके सा सिस्टम देखने को मिला। आई होप आप लोगों ने साइट पर कभी विजिट किया होगा तो आपको देखने को मिला होगा ये सब कुछ। तो हम लोगों ने प्लेट लोड टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया। रिजल्ट्स क्या मिल चुके हैं अब तक मुझे, रिजल्ट्स मुझे अब तक ये मिल चुके हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ लोड्स की वैल्यू आ चुकी है एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में मेरे पास नंबर ऑफ सेटलमेंट्स की वैल्यू आ चुकी है, एवरेज सेटलमेंट की ऑफ दिस थ्री डायल गेजेस, जो कि 120 डिग्री पर रिलेटिवली अरेंज मैंने कर रखे हैं। हो क्या रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं। कब तक लोड बढ़ाते चले जाना है, जब तक कि डायल गेज है वो एक सडनली बहुत बड़ी वैल्यू ना दे दे। जैसे मैं कहूँ कि सेटलमेंट की वैल्यू आ रही थी 2 mm, 2.3 mm, 2 mm, 2.4 mm, 2.5 mm, 2.6 mm, सडनली वैल्यू आ गई आपकी, सपोज 10 mm, 20 mm, 40 mm, ऐसा कुछ बड़ी एकदम अचानक वैल्यू आ गई सडनली। इसका मतलब क्या हो चुका है कि यहाँ की जो सॉइल है बिलो द बेस ऑफ दिस बेस प्लेट, वहाँ की सॉइल सडनली क्या हो चुकी है, शेयर हो चुकी है, जिसके कारण प्लेट का सडन लार्ज सेटलमेंट आ चुका है।
ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको इमीडिएटली लोड अप्लाई करना रोक देना होगा अब, और वहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे, उस जगह पर एक्चुअल वैल्यू एस्टिमेट कर लेंगे, दैट विल बी योर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कैसे करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। अभी मैंने क्या किया, मेरे पास नंबर ऑफ लोड्स का वैल्यू है, नंबर ऑफ सेटलमेंट्स का वैल्यू है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लोड सेटलमेंट कर्व में ड्रॉ करने वाला हूँ। तो लोड सेटलमेंट कर्व किस पैटर्न में ड्रॉ किया जाए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो लोड सेटलमेंट कर्व है, मैं कहूँगा लोड सेटलमेंट कर्व, लेकिन मैं एक्स एक्सिस पे उसको क्या लेने वाला हूँ, प्रेशर के फॉर्म में लेने वाला हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने ले रखा है आपका क्यू डिवाइड बाय ए, मतलब क्यू आपका क्या हो चुका है, अप्लाइड लोड। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं किस पे, ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, आपने जो यहाँ पर ये बेस प्लेट रखा हुआ है इसका एरिया आपको लेना होगा। चलिए यहाँ तक का मुझे बात क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ, रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ सेटलमेंट मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले रखा है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने ले रखा है सेटलमेंट। अच्छा, आपने सेटलमेंट वाई एक्सिस पर ले रखा है, यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू ले रखा है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बता चुका हूँ मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सेटलमेंट्स आ चुके हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लोड्स आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स को लोकेट करना चालू किया, एक पॉइंट ये रहा, फिर ये रहा, फिर पॉइंट ये रहा, फिर पॉइंट ये रहा, फिर पॉइंट ये रहा, और सडनली एक पॉइंट मुझे यहाँ कहीं पर देखने को मिला, फिर यहाँ देखने को मिला। तो मैंने क्या देखा, सडनली मुझे लार्ज सेटलमेंट मिल रहा है। मैंने इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना चालू किया तो मैं देख रहा हूँ कि, अच्छा मैं पॉइंट्स को अच्छे से कनेक्ट करता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। अब मैं कर्व आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि आपको एक्चुअली कैसा कर्व मिलेगा। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लोकेट करे हैं उसको मैंने कनेक्ट करना चालू किया। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट करना चालू किया पॉइंट्स को, मैंने क्या देखा, पहले तो ये कर्व लीनियर रहता है कुछ हद तक, उसके बाद मुझे सडनली लार्ज सेटलमेंट देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, इसका मतलब ये हो चुका है किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर जाने पर हमें क्या मिल रहा है, सॉइल में हमें फेलियर मिल रहा है। मतलब ये हो चुका है अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट। क्या लिख दूँ मैं, क्यू यू पी लिखा है, अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट, है ना। ये तो मैंने कौन से टाइप की सॉइल में बात करी, जब मेरे पास डेंस सॉइल हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये पॉसिबल है जब आपके पास डेंस सॉइल हो, स्टिफ सॉइल हो, और मैं लिख सकता हूँ स्टिफ सॉइल हो, है ना, या मैं आपको कहूँ कि मेरे पास OCC सॉइल हो, उस कंडीशन में मुझे इस टाइप का फिगर देखने को मिल सकता है फेलियर का। मैं कहूँ कि मेरे पास लूज सॉइल है तो फिर क्या होगा, यदि मेरे पास लूज सॉइल है तो मुझे कुछ इस तरह से प्रोग्रेसिव फेलियर या प्रोग्रेसिव सेटलमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कह लेंगे कि इसका जो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा यहाँ तक का, ये मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर फिर इसके बाद सेटलमेंट इसका कॉन्स्टेंट हो गया है, इसको हम कह देंगे अल्टीमेट पॉइंट QUP। इस जगह पर यहाँ से आपको अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट देखने को मिल गया है। ये कब होगा, ये आपका हो जाएगा लूज सॉइल में और सॉफ्ट सॉइल में, या मैं कहूँ आपके पास NCC सॉइल भी होगा तो आपको कुछ इस टाइप से फेलियर्स कर्व देखने को मिलेगा, लोड सेटलमेंट कर्व देखने को मिलेगा। तो आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि जब आपके पास डेंस सैंड था तो आपको लोड सेटलमेंट कर्व कुछ इस तरीके से मिल रहा था, सडन फेलियर हो रहा था, सडन सेटलमेंट हो रहा था, मतलब सॉइल शेयर हो रही थी। तो आपको यहाँ पे पॉइंट आपका नोन था, अल्टीमेट पॉइंट, है ना, अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट वॉज क्लियरली नोन। लेकिन जब मेरे पास यहाँ पर लूज सॉइल आ जाती है तो लूज सॉइल के केस में ये जो सेटलमेंट है वो प्रोग्रेसिव है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस जगह पे जाके सॉइल एक्चुअली शेयर हुई है, फेल हुई है। तो हम क्या करते हैं, ये जो लोड सेटलमेंट कर्व आपको बनाया है मैंने, डेंस सॉइल के केस में तो आप अर्थमेटिक स्केल पर बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल में ये कौन सा स्केल है, अर्थमेटिक स्केल है। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट कि यदि आपके पास लूज सॉइल है उसके लिए आपने यदि लोड सेटलमेंट कर्व बनाया है, सो यू शुड ड्रॉ द लोड सेटलमेंट कर्व ऑन लॉग लॉग स्केल, तो आपको फिर अलग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लॉग लॉग स्केल पर बना कर देख रहे हैं लूज सॉइल के लिए। तो यहाँ पर वही मैंने अल्टीमेट कैपेसिटी ले रखा है, क्यू यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ प्लेट इस जगह पर, और यहाँ पर हमने ले रखा है आपका सेटलमेंट का वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेटलमेंट का वैल्यू दे रखा है, हम लॉग लॉग वैल्यू पर लेने वाले हैं। मतलब आपको यहाँ पर भी लॉग लेना होगा, आपको यहाँ पर भी लॉग लेना पड़ेगा,
मतलब एक पेपर आएगा आपका लॉग लॉग स्केल में, उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो जब उसके लिए ड्रॉ करेंगे फॉर लूज सॉइल, तो ये जो प्रोग्रेसिव आपको मिल रहा था वो अब क्या हो जाएगा आपका, पहले तो एक ये लीनियर लाइन हो जाएगा और यहाँ कहीं पर आगे तक ये लीनियर रहेगा और उसके बाद ये अपना क्या कर देगा, कुछ इस तरीके से आपको कर्व दे देगा। तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट हो चुका है जहाँ पर कर्व ने अपना स्लोप चेंज करा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पर जाके सॉइल शेयर हो चुकी है, फेल हो चुकी है। दिस पॉइंट कैन बी कंसिडर एट्स अल्टीमेट पॉइंट, QUP आप क्या कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमने कौन सा स्केल लिया है, ये है आपका फॉर लूज सॉइल, फॉर लूज सॉइल ऑन लॉग लॉग स्केल, ठीक है। तो हमने लूज सॉइल के लिए लॉग लॉग स्केल पर इस तरीके से कर्व ड्रॉ किया जो पहले लीनियर था, फिर इसका स्लोप चेंज हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट देखने को मिल गया है। अब ये तो मैंने अल्टीमेट कैपेसिटी निकाल दिया है, मतलब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकाल दी है। अल्टीमेट कैपेसिटी या अल्टीमेट प्रेशर मतलब क्या, बियरिंग कैपेसिटी किसके लिए निकाला है, प्लेट के लिए निकाला है। ये फुटिंग का थोड़ी ना बियरिंग कैपेसिटी है। प्लेट का साइज मैंने आपको क्या बताया, 30 सेंटीमीटर हो सकता है, 45 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 90 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकता है। मेरी फुटिंग का साइज तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर तक रह सकता है। क्या ये बियरिंग कैपेसिटी मेरी प्लेट की बियरिंग, मेरी फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो मेरे पास सिफाई सॉइल होता है, जो मेरे पास ये वाला सॉइल होता है, कोहेजन लेस सॉइल होते हैं, उनके अंदर बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करती है। साइज एंड शेप चेंज हुआ, आपकी बियरिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। तो आपने जो ये बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर रखी है सॉइल के अंदर, वो ये बेस प्लेट के लिए कैलकुलेट कर रखी है। यू आर नॉट कैलकुलेटेड फॉर द फुटिंग विच इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द सेम सॉइल एट द सेम डेप्थ। तो फिर मैं क्या करूँ, मतलब ये जो मैंने QUP वगैरह निकाला है ये तो यूजलेस है, इसका तो मेरे लिए मीनिंग ही नहीं है। ऐसा नहीं है, अब हम इसको यूज करने वाले हैं, हम इस वैल्यूज को यूज करने वाले हैं टू एस्टिमेट दी बियरिंग कैपेसिटी फॉर द फुटिंग। तो मैं बात करने वाला हूँ आपके पास सबसे पहले केस नंबर वन का। केस नंबर वन मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, सपोज इन द केस ऑफ क्ले सॉइल, केस नंबर वन फॉर क्ले सॉइल। अच्छा, क्ले सॉइल की यदि हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों को एक बात सोचना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्ले सॉइल है, प्योर क्ले है, तो ऐसी कंडीशन में जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है क्या वो साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करती है? इट नेवर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ फुटिंग। तो जब साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड नहीं करती इन द केस ऑफ प्योर क्ले, देन वॉट इज हैपन, आपका ये जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपने एस्टिमेट कर रखा है वही एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा, फुटिंग का कैपेसिटी हो जाएगा। सो आई कैन राइट हियर, In the case of clay soil, ultimate bearing capacity does not depend upon the size of the footing। इसका मतलब यह हो चुका है कि आपका जो QUF है, QUF बोले तो QF मतलब आपका अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ फुटिंग विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, QUP। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं QUP फील्ड में हमें कैसे कैलकुलेट करना है यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट। तो आपने क्या किया, प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म किया। यदि आपके पास डेंस सॉइल है, मतलब वेल सेटल्ड OCC सॉइल है या स्टिफ सॉइल है, तो ऑफकोर्स आपको कुछ इस तरीके से कर्व मिलने वाला है। लूज सॉइल होगी तो उसको आप लॉग लॉग स्केल पर ड्रॉ करेंगे, आपको अल्टीमेट पॉइंट्स मिल जाएगा QUP का। अल्टीमेट पॉइंट्स मिला, वही आपकी क्या हो जाएगी, क्ले सॉइल में अल्टीमेट फुटिंग कैरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट प्रेशर हो जाएगा फुटिंग के ऊपर, या अल्टीमेट कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगी फुटिंग की, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर में ये आंसर आने वाला है। क्यों किलो न्यूटन पर मीटर में आने वाला है, क्योंकि ये QUP भी जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मैंने निकाल रखा है, अप्लाइड लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ प्लेट। तो QUF विल बी इक्वल टू QUP ये होने वाला होगा। तो आप चाहे तो मैं यूनिट लिख सकता हूँ, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यही रहने वाला होगा। लेकिन हम यदि बात करें केस नंबर टू का, कि मेरे पास कोहेजन लेस सॉइल है, सपोज फॉर सैंडी सॉइल,
If we have sandy soil, then how to determine the bearing capacity? So in the case of sandy soil, we know it depends upon the size of the footing. तो वहाँ पर जो ultimate carrying capacity हो गया या ultimate bearing capacity होगा footing का, that will not be equal to ultimate capacity of plate, right? तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ in the case of sandy soil or cohesion less soil, if you want you can write ultimate bearing capacity depends upon the size of the footing. ठीक है, साइज ऑफ द फुटिंग. तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब इसका मतलब यह हो चुका है कि यहां पर मैं लिख सकता हूं, दैट मीन्स आपने जो क्यू यू एफ निकालना चाहते हैं, दैट विल नॉट बी इक्वल टू क्यू यू पी, ये कहना चाहता था मैं एक्चुअली. तो जब क्यू यू एफ इज नॉट इक्वल टू क्यू यू पी तो फिर कैसे निकाला जाए, तो हम लीनियराइजेशन समझ के उसको निकालने की कोशिश करते हैं. क्या मान लूँ मैं लिख देता हूँ क्यू यू एफ, मैं मान लेता हूँ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर फुटिंग डिवाइडेड बाय अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट विल बी इक्वल टू, साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करता है ना, विल बी इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, बी एफ डिवाइड बाय बी पी. ऐसा लिख सकते हैं क्या, यदि लीनियरली वेरिंग यदि मैं मान लूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो यहाँ पर मैं फिर देखिए, मुझे पता है कि यदि मुझे अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ बी एफ डिवाइड बाय बी पी इंटू क्या हो जाएगा, क्यू यू पी. तो ये मुझे क्या आ चुका है, यहाँ पर एक्सप्रेशन आ चुका है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए इन द केस ऑफ सैंडी सॉइल फॉर द फुटिंग. ठीक है, तो अब क्या करिए, मैं स्ट्रक्चरल डिजाइनर हूँ तो मुझे पता है कि मैं बी एफ विड्थ ऑफ फुटिंग क्या रखने वाला हूँ. टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं साइट पर, तो साइज ऑफ बेस प्लेट क्या रहने वाला है वो हमें पता है. अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेट मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ, तो इस फॉर्मूले से क्या मैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ. तो हमने क्या कर दिया, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल दिया. इसकी भी यूनिट क्या रहने वाली होगी, ऑफकोर्स किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहने वाला होगा. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. तो बी एफ यहाँ पर क्या है, बी एफ है आपका विड्थ ऑफ फुटिंग, बी पी क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट. क्लियर, चलिए यहाँ तक का हमें क्लियर हो चुका है. तो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करा है ना, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है प्लेट लोड टेस्ट के बारे में. हम लोगों ने इसके बारे में नंबर ऑफ डिस्कशन देखा कि ट्रेंच का साइज क्या होना चाहिए, ट्रेंच की डेप्थ कितनी रखनी चाहिए, बेस प्लेट का साइज कितना रखना चाहिए, डायल गेज कितने पैटर्न किस तरीके से अरेंज करना चाहिए, किस तरीके से लोड लगाना चाहिए, किस तरीके से लोड सेटलमेंट कर्व यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए, और यदि आपके पास केस नंबर वन हो तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं फुटिंग में, यदि आपके पास केस नंबर टू हो तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं केस नंबर टू में सैंडी सॉइल में. तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन है, मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर टू है ना. तो अभी तक मैंने जितना भी आप लोगों के साथ प्लेट लोड टेस्ट में स्टेप्स की बात करी, स्टेप्स वन बाय वन कैसे हमको परफॉर्म करना है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है. एक और बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, ये जो अल्टीमेट ये जो प्लेट लोड टेस्ट है ये एक्चुअली बनाया गया था या डिज़ाइन किया गया था टू फाइंड दी सबग्रिड रिएक्शन और मॉड्यूलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन, जो कि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले होंगे या पढ़ चुके होंगे कि वहाँ पर यदि आपको पेवमेंट डिज़ाइन करना है तो वी हैव टू कैलकुलेट वन वैल्यू नोन एज मॉड्यूलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन. तो वहाँ पर प्लेट लोड टेस्ट को डिज़ाइन किया गया था वो वैल्यू निकालने के लिए. वी कैन यूज दिस प्लेट लोड टेस्ट टू एस्टिमेट द बियरिंग कैपेसिटी ऑल्सो. और बियरिंग कैपेसिटी हम जो निकाल सकते हैं वो तीन अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं. या तो मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मैंने शेयर क्राइटेरिया पर बेस्ड डिस्कशन करा, या तो मैं शेयर क्राइटेरिया पर आपके साथ बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं अलाउएबल प्रेशर निकाल सकता हूँ बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया. इसके अलावा एक और क्राइटेरिया होता है हॉजेल्स मेथड्स. हॉजेल्स मेथड्स भी मैं आप लोग
आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे इन कैसे बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं यूजिंग द प्लेटलेट टेस्ट रिजल्ट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले रहेंगे यहाँ पर। अभी फिलहाल में देखिए, मैंने जितने पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करिए प्लेटलेट टेस्ट की मेथड्स के बारे में, वो सभी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं वन बाय वन। आप लोग पूरा नोट करेंगे और प्रॉपर नोट्स आपके प्रिपेयर करेंगे, तो पूरा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 7 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, तो आप पूरे 7 पॉइंट्स नोट कर लीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे और पूरे नोट्स आप अपने प्रॉपर फॉर्मेट में, अच्छी हैंडराइटिंग में, क्योंकि ये जो नोट्स है लाइफ टाइम हेल्प करते हैं हमें, उस पैटर्न में आपको क्या करना है क्लियरली बनाना है। आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके इसको प्रॉपर फॉर्मेट में क्या होगा लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब ये था मेरे पास सेटल शेयर क्राइटेरिया पर बेस्ड, हमने आप लोगों के साथ बियरिंग कैपेसिटी निकाल के बताया क्ले के केस में, सेंड्स के केस में, है ना। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हॉजेल्स मेथड। प्लेटलेट टेस्ट के ही रिजल्ट्स में यूज करने वाला हूं, लेकिन हॉजेल्स मेथड को हम देखने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं हॉजेल्स मेथड। हॉजेल्स मेथड में क्या है कि मैं यहां पर पहले लिखना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू हॉजेल द बियरिंग कैपेसिटी, और आई शुड राइट द लोड कैरिंग कैपेसिटी, द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिया एंड पेरीमीटर एंड एरिया एंड पेरीमीटर of the footing and properties of the soil and properties of the soil। तो यहां पर हॉजेल्स के एनालिसिस के हिसाब से जो अल्टीमेट लोड लगता है प्लेट लोड टेस्ट में आपकी प्लेट के ऊपर, वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट, या मैं कहूँ फुटिंग की बात करूँ तो एरिया ऑफ फुटिंग, प्लेट की हम बात कर रहे हैं फिलहाल में, तो एरिया ऑफ प्लेट, पेरीमीटर ऑफ प्लेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का। तो यदि मैं मान लूँ, यदि हम लिख दें इफ क्यू वन ए वन पी वन आर दी अल्टीमेट लोड कॉमा एरिया ऑफ प्लेट कॉमा एंड पेरीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ द प्लेट्स रिस्पेक्टिवली, देन क्या होगा। यदि हम मान ले कि आपका जो Q है, A है और P है, वो क्या है, अल्टीमेट लोड, एरिया ऑफ प्लेट एंड पेरीमीटर ऑफ द प्लेट है रिस्पेक्टिवली, तो देखते हैं हॉजेल के हिसाब से वो क्या होता है। देखिए अल्टीमेट लोड मतलब क्या, कि जैसे कि मैंने प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म किया, मैं आप लोगों के साथ मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो जैसे मैंने प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म किया, किस पर्टिकुलर लोड पर जाकर ये वैल्यू हमें इस टाइप का कर्व दे रही है, वो वैल्यू ऑफ लोड क्यू की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, किलो न्यूटन में, वो अल्टीमेट लोड एक बात, एरिया ऑफ प्लेट आप जानते हैं यदि आपने स्क्वायर प्लेट ले रखा है तो उसका एरिया, और पेरीमीटर प्लेट का जो पेरीमीटर होगा वो, ये 3 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर यदि मैं मान लूँ क्यू इज द अल्टीमेट लोड जहाँ पर फेलियर ऑकर हो रहा है, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, पी इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट हो, तो यहाँ पर ये जो क्यू है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी एज पर हॉसेल, वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट पर, डिपेंड करती है पेरीमीटर ऑफ प्लेट पर, एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर मैं हॉसेल के हिसाब से लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया, हॉसेल के हिसाब से लिख दिया क्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम प्लस
पी एन। क्यू किस पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ प्लेट पर, पेरीमीटर ऑफ प्लेट पर। ए और पी तो मुझे पता है, ये अब एम और एन क्या है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो हॉजेल के हिसाब से आपका जो अल्टीमेट लोड था वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ए एरिया ऑफ प्लेट, देन पी पेरीमीटर ऑफ प्लेट एंड एम एन विच आर नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बेस प्लेट लिया, उसका कुछ साइज होगा, उसका कुछ पेरीमीटर होगा, उसका कुछ एरिया होगा। तो मैंने क्या किया, फॉर फर्स्ट बेस प्लेट, हमने एक बेस प्लेट लिया, उसके लिए हमारे पास कोई एक साइज का लिया है मैंने, सपोज 30 सेंटीमीटर का एरिया, 30 सेंटीमीटर साइड वाला हमने क्या ले रखा है, बेस प्लेट ले रखा है। तो वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू Q1 पे फेल हो गया, मतलब मुझे जो अल्टीमेट वैल्यू मिली लोड सेटलमेंट कर्व से वो Q1 मिली। सो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने फर्स्ट प्लेट लिया है उसका एरिया A1 है, M मटेरियल की प्रॉपर्टी है सॉइल की, और उसका पेरीमीटर P1 है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है सॉइल की। तो यहाँ पर आपका ये एक्सप्रेशन क्या आ चुका है, Q1 इक्वल टू A1 P1 N। अब हमने क्या किया फॉर सेकंड प्लेट, अब हमने वो प्लेट हटा दी, अब हमने सेकंड प्लेट यूज करी। ऑफकोर्स जो सेकंड प्लेट है उसका जो साइज और पेरीमीटर है पहली वाली प्लेट से अलग होगा। यदि मैं कहूं कि पहले मैंने 30 सेंटीमीटर वाली प्लेट यूज करी थी, तो अब मैं सपोज 45 सेंटीमीटर वाली प्लेट यूज करने वाला हूं, लेकिन यूज तो मैं सेम डेप्थ पर सेम टाइप की सॉइल में करने वाला हूं, मतलब सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है एम और एन वो तो सेम रहने वाली है, लेकिन अब की बार ए और पी एरिया एंड पेरीमीटर चेंज हो चुके हैं डिफरेंट साइज ऑफ फुटिंग यूज करने के कारण। तो अल्टीमेट लोड भी क्या आने वाला होगा, डिफरेंट आने वाला होगा, जो कि मैं लोड सेटलमेंट कर्व से निकालने वाला रहूंगा। तो यहां पर अल्टीमेट लोड में मान लेता हूं सेकंड प्लेट के लिए Q2 आया होगा A2 M सेम वैल्यू प्लस P2 N सेम वैल्यू मुझे देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर दो एक्सप्रेशन मिल चुके हैं, दोनों एक्सप्रेशन में दो अननोन से M एंड N विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ M एंड N? तो इसको यदि मैं कह दूँ कि ये रहा मेरे पास एक्सप्रेशन नंबर A, ये रहा मेरे पास एक्सप्रेशन नंबर B, ए एंड बी से हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका प्रॉपर्टीज एम एंड एन। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर लिख रहा हूं सॉल्व इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी एंड कैलकुलेट M एंड N। तो आपने मटेरियल प्रॉपर्टीज M एंड N कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करना है, सेम यदि आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी पता लग गई तो क्या मैं फुटिंग की प्रॉपर्टी लिख सकता हूं? तो अब क्या कर रहा हूं, एज्यूमिंग AF इज द एरिया ऑफ फुटिंग जो कि हमें पता है एंड PF इज द पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग वो भी मुझे पता है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग मुझे पता है। तो क्या मैं एक्सप्रेशन निकाल दूं कि जो मेरी फुटिंग अब जब मैं एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करूंगा उसमें कितने मैक्सिमम लोड अप्लाई किया जा सकता है, कितना लोड पे वो जाके सॉइल शेयर हो जाएगी। तो क्यू एफ विल बी इक्वल टू अब क्या लिख देंगे, ए एफ एम प्लस पी एफ एन। ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। तो आप को यही तो निकालना था, क्यू एफ ही तो हम यहाँ पर निकालना चाहते थे, यही क्यू एफ हम निकालना चाहते थे। एफ एरिया ऑफ फुटिंग मुझे पता है, पी एफ पेरीमीटर ऑफ फुटिंग मुझे पता है, मैं स्ट्रक्चरल डिजाइनर हूँ, मैं डिजाइन करने वाला हूँ। एम ओन एन आपने यहाँ से ये ए और बी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए निकाल दिया था, यहाँ पर पुट करेंगे। अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग इन द टर्म्स ऑफ लोड किलो न्यूटन कैन बी एस्टिमेटेड इजिली। तो ये आपका किलो न्यूटन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लोड आ जाएगा। तो ये भी जो एक्सप्रेशन है वो किलो न्यूटन में एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। तो यही मैं इस टेस्ट में हॉसेल्स में हमने निकाला है।
ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक कितने अप्रोच बता दिया है, दो अप्रोच मैं आप लोगों के बता चुका हूँ। पहला अप्रोच तो ये बताया मैंने कि यदि आपके पास क्ले सॉइल है, अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग जो होगा अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट के बराबर होगा। यदि मेरे पास कोहेजन लेस सॉइल है तो वहाँ पर अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी जो होगा फुटिंग का, दैट विल नॉट बी इक्वल टू अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेट बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ द फुटिंग। तो फिर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा भी हमने क्या अप्रोच देख लिया है फील्ड पर बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट, वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि आप हॉजेल्स का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जिसमें बनाया गया है कि जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इन द टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन दैट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ फुटिंग, साइज ऑफ द फुटिंग, आई मीन टू से एरिया ऑफ फुटिंग, पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर ये निकाल सकता हूँ। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट अप्रोच जिसमें हम देखेंगे कि प्लेट लोड टेस्ट का यूज करते हुए हम सेटलमेंट पर बेस्ड क्राइटेरिया का यूज करते हुए किस तरीके से बेयरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट करने वाले हैं। तो बात करते हैं अब हमारी थर्ड अप्रोच का कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया हम कैसे निकाले। तो यहां पर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया यदि आप निकालना चाहते हैं तो यहां पर मैं कुछ फॉर्मूले लिखने वाला हूं। उसके पहले मैं ये बताता हूं कि कोड ने हमें कुछ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ सेटलमेंट दे रखी है। मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने आप लोगों के साथ जब कंसोलिडेशन सेटलमेंट चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को परमिसिबल सेटलमेंट वैल्यूज लिखवाया था। यदि मैं कहूं कि मुझे आइसोलेटेड फुटिंग बनाना है क्ले सॉइल में, सैंडी सॉइल में, राफ्ट फुटिंग बनाना है क्ले सॉइल में, सैंडी सॉइल में, तो उस कंडीशन में मैंने अलग अलग वैल्यूज लिखाई थी। क्लियर, याद आ रहा आपको? 65 mm, 40 mm, 65 mm टू 100 mm, 40 mm टू 65 mm, ये सब मैंने अलग अलग वैल्यूज आप लोगों को लिखवाई थी जब मैंने आपको कंसल्टेशन सेटलमेंट पढ़ाया था। वहीं पर मैंने आपको दो वैल्यूज अलग से भी लिखवाई थी डिफरेंशियल सेटलमेंट की। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं प्लेट लोड टेस्ट में, मैंने आपको क्या बताया है कि मैंने तीन अलग अलग डायल गेज लगा रखे क्योंकि मैं जानता हूं मेरे सॉइल में डिफरेंशियल सेटलमेंट आएगा। तो उस डिफरेंशियल सेटलमेंट का मैं क्या लेने वाला हूं, एवरेज, राइट। तो वो जो डिफरेंशियल सेटलमेंट आ रहा है तो परमिसिबल वैल्यूज दे रखी है कोड ने मुझे डिफरेंशियल सेटलमेंट की, कितनी दे रखी है उन लोगों ने दे रखा है क्ले सॉइल में, यदि आपको याद हो तो क्ले सॉइल में मुझे कितनी दे रखी थी, 40 mm दे रखा था, और सैंडी सॉइल में मुझे कितना दे रखा था, 25 mm दे रखा था। मतलब सेटलमेंट ऑफ फुटिंग मुझे ऑलरेडी पता है। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि आईएस कोड हैज सजेस्टेड परमिसिबल वैल्यूज ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को लिख देता हूं 40 mm फॉर क्ले, 25 mm फॉर सैंड, ठीक है। एग्जाम में यदि कुछ अलग वैल्यूज दे दे तो उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना है, ठीक है। ये हर जगह आपको यूज नहीं करना, ये सजेस्टेड वैल्यूज है, मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट्स मैं कह सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, फॉर क्ले You can take 40 mm and for sand you can take this value as 25 mm, ठीक है, ऐसा हम ले सकते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। अच्छा, कोड ने मुझे ये दे रखा है। अब बात करते हैं कैसे मैं इसके पर बेस्ड सेटलमेंट निकालूं, समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर तीन फॉर्मूले आप लोगों के साथ लिखने वाला हूँ। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखा SF डिवाइड बाई SP इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BF इंटू BP प्लस 0.3 डिवाइड बाय BP प्लस BF प्लस 0.3 होल टू द पावर 2। एक फॉर्मूला मैंने ये लिखा, ये कौन से टाइप की सॉइल के लिए लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है फॉर सैंडी सॉइल के लिए, मतलब कोहेजन लेस सॉइल के लिए, मतलब फ्रिक्शनल सॉइल के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसका क्या मीनिंग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ SF डिवाइड बाय SP इक्वल टू BF डिवाइड बाय BP टू द पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है फॉर सिल्ट के लिए, मतलब फॉर C5 सॉइल के लिए। आप लोग समझते हैं, काफी नंबर ऑफ टाइम्स में डिस्कस कर चुका हूँ C5 सॉइल मतलब सिल्टी सॉइल। तो यहाँ पर जो n है उसका वैल्यू आप ले सकते हैं 0.5, ठीक। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एक लास्ट फॉर्मूला, ऑफकोर्स वो रहेगा क्ले के लिए, मतलब आपका फ्रिक्शन लेस सॉइल के लिए SF डिवाइड बाय SP विल बी इक्वल टू
बी एफ डिवाइड बाय बी पी, ये मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने लिखा हुआ है फॉर क्ले सॉइल के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या किसका क्या मीनिंग है तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि SF जो है इट इज योर सेटलमेंट ऑफ फुटिंग है। SP क्या है? SP है आपका सेटलमेंट ऑफ प्लेट है। BF क्या है? इट इज द विड्थ ऑफ फुटिंग है। BP क्या है? BP है आपका विड्थ ऑफ प्लेट है। अब इस फॉर्मूले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो BF एंड BP है वो हमेशा मीटर में आप लोगों को रखना है, हमेशा मीटर में रखना है। आप mm या सेंटीमीटर में रखेंगे आपका आंसर गलत आएगा। तो SF और SP की कुछ भी यूनिट हो, mm हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, आपको BF और BP जो है वो हमेशा मीटर में रखना है। तो उसके हिसाब से ही आपके ये फॉर्मूले डिज़ाइन हुए हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले नज़र आ रहा है जो सैंडी सॉइल के लिए ये रखा हुआ है, सीफाई सॉइल के लिए एन का वैल्यू 0.5 लेते हुए ये यूज़ करना है, क्ले के लिए यहाँ पर आप एन का वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्ले के लिए देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इन सब का मीनिंग बता दिया है, इम्पोर्टेंट बात बता चुका हूँ, बी एफ और बी पी जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। अब आपने बी एफ और बी पी मीटर में रख दिया है, तो जैसे एस एफ जो है सेटलमेंट ऑफ फुटिंग ये मुझे पता है, कैसे पता है, ये पता है 40 mm क्ले है तो, सैंड है तो 25 mm, तो SF मुझे पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, SP निकाल सकता हूँ। ये किस में निकलेगा, mm में निकल जाएगा। यदि आप SF सेंटीमीटर में रखोगे तो SP सेंटीमीटर में निकलेगा, SF mm में रखोगे तो SP mm में निकलेगा, SF मीटर में रखोगे तो SP मीटर में निकलेगा। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो BF BP है इनको आपको मीटर में ही रखना होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, मुझे SF सेटलमेंट ऑफ फुटिंग पता है, कोड ने मुझे दे रखा है अलग अलग सॉइल्स के लिए। तो फिर मैं निकालना क्या चाहता हूँ इन फॉर्मूले से, मैं निकालना चाहता हूँ सेटलमेंट ऑफ प्लेट SP का वैल्यू। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ फुटिंग मैंने पता कर लिया कोड के हिसाब से पर्टिकुलर सॉइल के लिए, इस पर्टिकुलर केसेस में हमारे पास परमिसेबल वैल्यू कितनी है। तो मुझे SF पता लग चुका है, SF मैंने यहाँ पर रखा। कोई से भी जो भी सॉइल है आपके पास उसका फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। सपोज मैं मान लेता हूँ मेरे पास सैंडी सॉइल है, तो SF का वैल्यू मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 25 mm रख दिया। BF BP मुझे पता है, विड्थ ऑफ फुटिंग में स्ट्रक्चरल डिजाइनर हूँ मुझे पता है, विड्थ ऑफ प्लेट मैंने टेस्ट परफॉर्म किया फील्ड पर, विड्थ ऑफ प्लेट भी मुझे पता है। तो मैं यहाँ से क्या SP का वैल्यू निकाल सकता हूँ सेटलमेंट ऑफ प्लेट का। तो मैंने SP का परमिसिबल वैल्यू सेटलमेंट ऑफ प्लेट निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस SP का क्या यूज़ करने वाले हैं। हमने आपको यहाँ पर जब मैंने प्लेट लोड टेस्ट पढ़ाया था तो मैंने लोड सेटलमेंट कर्व ड्रॉ करवा रखे हैं आप लोगों को। अब आपको क्या करना है, बस आपने जो अभी SP निकाला सेटलमेंट क्राइटेरिया में, सेटलमेंट ऑफ प्लेट निकाला, उसको आप क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज ये रहा आपका वो SP का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर सपोज वो वैल्यू आ चुका है आपका SP का जो अभी आपने कैलकुलेट करा है वहाँ पर, उसको क्या करना है यहाँ पर लगाना है और आपका जो फॉर्मूला मैच कर रहा है उस पर जाकर करना है। तो आपको यहाँ पर आपके वैल्यू ऑफ SP के लिए यहाँ पर अल्टीमेट कैपेसिटी आप क्या मिल जाएगी, प्लेट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, इस कंडीशन में यहाँ पर सॉइल जब शेयर होगी मैं वो नहीं निकाल रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, सेटलमेंट ऑफ प्लेट निकाला और उसको यहाँ पर लेते हुए फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जो कि मेरे कर्व को, लोड सेटलमेंट कर्व को यहाँ कहीं पर काट रही थी, उसका वर्टिकल मैंने ड्रैग किया लाइन को और मुझे यहाँ पर अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट देखने को मिल गया। मैंने किसकी बात करी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने बात करी थी सपोज इस फॉर्मूले के अंदर सैंडी सॉइल का, तो सैंडी सॉइल के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। सैंडी सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। SF की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 25 रखी, कोड ने जो भी वैल्यू दे रखी है मैंने वो यहाँ पर रखी, सब कुछ मुझे पता था। SP निकाला, SP जैसे निकाला मैं प्लेट लोड टेस्ट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ साइट पर, तो मेरे पास लोड सेटलमेंट कर्व ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने क्या किया, इस SP को यहाँ पर कोइंसाइड कराया और मतलब यहाँ पर मैच करवाया और मैंने अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट निकाल दिया। लेकिन मुझे तो अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ फुटिंग निकालना है, तो मेरे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला अवेलेबल है, मैं इक्वेशन नंबर 2 यूज करूंगा। मैंने अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट निकाल दिया है यहाँ से,
कौन सा वाला अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट लेना है, ये जो ब्लू कलर से लिख रखा है जो एसपी के करस्पॉन्डिंग मैंने निकाला है, तो आपका अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द प्लेट करस्पॉन्डिंग टू द सेटलमेंट ऑफ प्लेट आप यहाँ पर रखेंगे, बीएफबीपी आपको पता है, फिर आप क्यूयूएफ निकाल सकते हैं, मतलब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग निकाल सकते हैं। अब मैं कहूँ कि मेरे पास सपोज फॉर एग्जाम्पल क्ले सॉइल है, मैं क्या करूँगा फॉर क्ले सॉइल के लिए यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, ये सॉरी इस जगह पर क्ले सॉइल के लिए SF by SP इक्वल टू BF by BP नॉर्मल फॉर्मूला है। सेटलमेंट ऑफ फुटिंग कोड ने मुझे सजेस्ट कर रखा है कि भाई तू 40 mm ले ले, तो परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैंने कितना ले लिया 40 mm ले रखा है। अब ये 40 mm लिया, BF BP आपको पता है, SP हमने क्या किया सेटलमेंट ऑफ प्लेट यहाँ से निकाला, फिर मैंने वापस गया यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ प्लेट जो भी मेरी वैल्यू आ रही थी इस कर्व के अंदर मैंने मिलाई और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मैंने लोड सेटलमेंट कर्व बना रखा है यहाँ से मैंने अल्टीमेट कैपेसिटी निकाल दी। यहाँ से जो मैंने अल्टीमेट कैपेसिटी निकाली, चूंकि मेरे पास क्ले सॉइल है और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि फुटिंग जो अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी है इन द केस ऑफ क्ले सॉइल, फुटिंग की जितनी होने वाली है वही क्ले की होने वाली प्लेट की होने वाली होगी, क्योंकि इन द केस ऑफ क्ले सॉइल योर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द फुटिंग। तो जो भी आपने अल्टीमेट कैपेसिटी निकाली है प्लेट का, वही अल्टीमेट कैपेसिटी किसका हो जाएगा फुटिंग का। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है सेटलमेंट पर क्राइटेरिया पर, ठीक है। यदि मैं आपको कहूँ कि मुझे सेफ लोड निकाल कर बताइए, तो ये आपकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ही है एक्चुअली फुटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए सेफ बेयरिंग कैपेसिटी यदि मैं आपको निकालने को कहूँ, तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आप कैसे निकालेंगे? सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आप सबसे पहले तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाले हैं, या आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, इसमें से ओवरबर्डन प्रेशर माइनस करो, फिर उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करो, फिर ओवरबर्डन प्रेशर ऐड करो। भाई यहाँ पे यदि मैं आपसे सेफ लोड पूछ रहा हूँ ना, तो आपने जो यहाँ से लोड का वैल्यू निकाल रखा है वही आपका सेफ लोड है, क्योंकि यहाँ पर फर्दर फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है फर्दर फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करने की जरूरत? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग ले रखा है वो परमिसिबल वैल्यू ही ले रखा है, जिसके अंदर ऑलरेडी कोड ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड कर रखा है। मतलब कहने का क्या है कि मैंने आपको जब ये लेक्चर पढ़ाना चालू किया था, तो यहाँ पे मैंने 7 points लिख रखे थे। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि प्लेट लोड टेस्ट से आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ये रही आपकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन शियर क्राइटेरिया। यहाँ से आपने सॉइल को शियर होते हुए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल के बताया था, ये था बेस्ड ऑन शियर क्राइटेरिया। एंड अलाउएबल प्रेशर या सेफ प्रेशर भी आप निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो यहाँ से ये जो मैं निकाल के बता रहा हूँ परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट ऑफ फुटिंग लेते हुए, तो आपका ये जो निकल रहा है QUP जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है सेफ प्रेशर है। यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट ले रखा है। तो आप देखिए आपका जो ये QUP निकलने वाला है इस बार बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया पर, वो अल्टीमेट QUP से छोटा है। मतलब ये जो QUP है ये एक्चुअली QUP नहीं है, ये सेफ प्रेशर है, जिसको मैं QUS भी लिख सकता हूँ या मैं QS भी लिख सकता हूँ। इट इज़ नॉट योर अल्टीमेट प्रेशर, इट इज एक्चुअली योर सेफ प्रेशर, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन आपको यूज तो यही एक्सप्रेशन करते हुए निकालना होगा, ठीक है। तो ये पूरी अप्रोच थी प्लेट लोड टेस्ट में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी से मेथड्स लिख देता हूँ कि फॉर दी गिवन परमिसिबल वैल्यूज ऑफ सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे SF, सेटलमेंट ऑफ प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड, सेटलमेंट ऑफ प्लेट SP कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। देन ये तो हो गई आपकी एक बात। दूसरी बात मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, यूजिंग लोड सेटलमेंट कर्व फॉर द वैल्यू ऑफ SP, फॉर द वैल्यू ऑफ SP QUP कैन बी कैलकुलेटेड। ये हो गई दूसरी बात। अब ये जो QUP निकाला है वो कैसे यूज कर सकते हैं? नाउ
यूजिंग क्यू यू पी क्यू यू एफ दैट इज द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कौन सी इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन नंबर वन फॉर क्ले सॉइल एंड इक्वेशन नंबर टू फॉर सैंडी सॉइल। तो वहीं पर मैं लिख रहा हूं यूजिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू फॉर द गिवन टाइप ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है। तो आप ये एक निकाल सकते हैं, है ना। यहां पर एक पॉइंट में लिख रहे हैं नोट, नो फर्दर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड बिकॉज कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ बिकॉज कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ क्यू यू पी हैज बीन एस्टिमेटेड कंसिडरिंग परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फुटिंग्स, ठीक है। मतलब आपने ये जो QUP कैलकुलेट कर रखा है यहां पर वो एक्चुअली क्या है, सेफ अलाइबल प्रेशर है। सो QUP कैन बी कॉल्ड सेफ और अलाइबल प्रेशर, सेफ और अलाइबल प्रेशर एंड यू कैन एस्टिमेट दिस इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका प्लेट लोड टेस्ट के बारे में डिस्कशन, ठीक है। एक टेस्ट का दो मिनट में मैं लिमिटेशन बता देता हूँ कि यहाँ पर इस टेस्ट की लिमिटेशन क्या है, क्या ये टेस्ट बहुत एक्यूरेट है। टेस्ट अच्छा है, बियरिंग कैपेसिटी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन लिमिटेशन सिर्फ यह है कि आपने यहाँ पर प्लेट लोड टेस्ट के अंदर एक छोटी सी प्लेट रखी है ना, और उसका बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग डिसाइड किया है। लेकिन सोचिए कि आपने जब एक छोटी सी फुटिंग रखी है उस पर जो लोड लगाया है वो कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। छोटी सी प्लेट पर छोटा सा लोड लगाया है तो छोटे से डेप्थ तक ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जब मैं एक्चुअली इतना बड़ा फुटिंग रखूंगा उस पर जब ज़्यादा लोड आएगा वो ज़्यादा एरिया तक डिस्पर्स होगा। मतलब जब आपका बेस प्लेट को आप चेक कर रहे थे तो ये जो बियरिंग प्रेशर मिल रहा था बेस प्लेट के कारण वो कुछ डेप्थ ऑफ सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा था, लेकिन जब आप एक्चुअल फुटिंग रखेंगे उसका लोड डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया पर होने वाला है तो वो लार्ज डेप्थ ऑफ फुटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। मतलब आपने जो यहाँ से बियरिंग कैपेसिटी निकाली है वो कुछ डेप्थ तक की सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, लेकिन एक्चुअली हमें तो किसकी चाहिए होती है, फुल डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक की सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होते हैं। तो ये एक आपका लिमिटेशन है कि ये लार्ज डेप्थ तक नहीं देता है, ये मैक्सिमम ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ प्लेट तक की डेप्थ ऑफ सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक बताता है। कहने का मतलब क्या है, यदि मैंने 45 सेंटीमीटर का क्या ले रखा है, बेस प्लेट ले रखा है, तो ये मैक्सिमम 90 सेंटीमीटर डेप्थ तक के सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर पाएगा, मतलब बियरिंग प्रेशर को शो कर पाएगा, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है कि इन द केस ऑफ क्ले सॉइल अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग विल बी इक्वल टू अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द प्लेट होगा। अल्टीमेट कैपेसिटी आप कब निकालते हैं, जब अल्टीमेट सेटलमेंट ऑकर होगा, और अल्टीमेट सेटलमेंट जब ऑकर होगा तब शेयरिंग होगी मटेरियल के अंदर। कि आप बताइए ये जो टेस्ट मैं परफॉर्म करता हूँ ये तो फाइनाइट टाइम के अंदर मैं परफॉर्म करता हूँ, शॉर्ट टर्म पीरियड का ये टेस्ट होता है, और अल्टीमेट सेटलमेंट कब ऑकर होता है क्ले सॉइल में, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। मैं आपको कंसल्टेशन में पढ़ा चुका हूँ कि सेटलमेंट इन द क्ले सॉइल टेक्स इनफाइनाइट टाइम,
और आप तो टेस्ट फाइनाइट टाइम में थोड़े से टाइम में खत्म कर देते हो, तो फिर आपको अल्टीमेट सेटलमेंट कहाँ से मिल जाएगा भाई? जब आपको अल्टीमेट सेटलमेंट नहीं मिल पा रहा है तो फिर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट एंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? क्योंकि सेटलमेंट होने के लिए क्ले में तो इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है, ये टेस्ट तो आपने फाइनाइट टाइम में खत्म कर दिया, तो अल्टीमेट आपको सेटलमेंट मिला ही नहीं। जब अल्टीमेट सेटलमेंट नहीं मिला तो आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेट एंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग भी नहीं मिला है। ये आपका दो मेन लिमिटेशन है इस टेस्ट के, अदर देन दैट इट इज ओके। ठीक है, सो दिस वॉज द एंटायर पिक्चर ऑफ योर प्लेट लोड टेस्ट। आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे हम हमारा नेक्स्ट टेस्ट, जो कि रहेगा आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। थैंक यू।